सुप्रभातम मित्रों, भारतीय दर्शन की वैशेषिक की यह छठी श्रृंखला है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, वैशेषिक दर्शन जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने इनके जितने भी पदार्थ हैं उस पदार्थ का सामान्य अध्ययन लिया, जो इतिहास रहा है, जिन जिन वैशेषिकाचार्यों का योगदान रहा है, जिन जिन ग्रंथों की यथासंभव चर्चा की जाती है, हमने उनका उल्लेख किया, और उसके बाद विधिवत एक हमने विशिष्ट और गहरे अध्ययन की ओर अपने इस व्याख्यान को प्रारंभ किया है। इससे पूर्व की श्रृंखला में हम लोगों ने पृथ्वी और जल, ये जो दो द्रव्य हैं, उन द्रव्य को सविस्तर जानने का प्रयास किया, और एतदर्थ हमने जो भी यथासंभव लक्षण हो सकते थे, उदाहरण हो सकते थे, उनके माध्यम से चर्चा की। आप पाएंगे कि यहां हमने पृथ्वी को पुनः रखा है। ये केवल इसलिए रखा है कि हम एक बार पुनः स्मरण में ला सके कि इंद्रिय क्या है और विषय क्या है, क्योंकि आगे का आज भी जो अपना व्याख्यान होगा उसमें पुनः इंद्रिय और विषय को लेकर के चर्चा है, क्योंकि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, खास करके जो अनित्य द्रव्य है, तथाकथित अनित्य द्रव्य यानी पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों द्रव्यों में पुनः पुनः इंद्रिय की चर्चा आती है। तो हम एक बार पुनः जान लें कि विषय किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं और शरीर किसे कहते हैं। आप पाएंगे कि जो इंद्रिय की चर्चा जब हमने की है, तो इंद्रिय के विषय में है षड गुणम अप्रत्यक्षम साक्षात प्रतीति साधनमिति। जो साक्षात्कार प्रतीति, प्रतीति का अर्थ होता है ज्ञान, जो ज्ञान का साधन होता है वह इंद्रिय का सामान्य लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार विषय है जो स्पर्शवान हो, स्पर्श से युक्त हो, शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो, ऐसे जो है इनको विषय कहा जाता है। हम इसको एक सामान्य समझने की कोशिश करते हैं, अन्यथा सामान्य लोक परंपरा में हम पूछ लेते हैं कि भाई आपने किस विषय में अपना अध्ययन किया है, तो वहां कोई कहते हैं कि मैंने संस्कृत की पढ़ाई की है, तो हिंदी की पढ़ाई की, अथवा ज्योग्राफी की पढ़ाई की, तो वहां पर उसे हम विषय के रूप में रख लेते हैं, जहां पर कि सब्जेक्ट वहां पर भी इसका अनुवाद होता है। दूसरे शब्दों में हम इंद्रिय से जिसे ग्रहण करते हैं, लेकिन इंद्रिय से जो भिन्न होता है वह विषय होता है। ये एक पुनरावृत्ति थी ताकि आगे जब हम विषय प्रारंभ करें तो उसमें इसका संबंध हम जोड़ सकते हैं। मित्रों, आज हम सबसे पहले तेज, जिसे हम आम भाषा में अग्नि कहते हैं, क्योंकि जब पांच भौतिक पदार्थों की चर्चा आती है तो पृथ्वी, जल, तेज उसमें आता है, तेज जो कि अग्नि कहते हैं। ये तेज एक तृतीय द्रव्य है वैशेषिक दर्शन में। हमने इसे पहले भी वैशेषिक दर्शन के नौ द्रव्यों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और तथा तदनुसार हमने उन सारे द्रव्यों का एक विभाजन किया था, नित्य को लेकर के, अनित्य को लेकर के आदि। यहां आप देखेंगे कि तेज का पहला लक्षण है, और जो पहला लक्षण है ये मैंने उदयनाचार्य विरचित लक्षणावली नामक ग्रंथ से लिया है, जहां कथन है कि रसात्यंता भाव समानाधिकरण रूपाधिकरणम तेज। तेज क्या है कि रस का जहां अत्यंता भाव हो, अर्थात रस का जहां अत्यंत अभाव हो, यानी जिसमें रस नहीं होगा, समान अधिकरण हो और रूप का अधिकरण हो। रूप से तात्पर्य है, अभी हम पढ़ेंगे, जब हमने सारे द्रव्यों के गुणों की विस्तृत चर्चा की थी तो उसमें हमने क्रमशः यह बताने का प्रयास किया था कि किस द्रव्य के कौन से विशेष गुण हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो तेज जो है, तेज द्रव्य है, रूप उसका गुण है, और ये रूप इसका विशिष्ट गुण है। तो रूप का जो अधिकरण है, अधिकरण शब्द भी आप लोग जानते हैं, इसका सामान्य आपने प्रयोग व्याकरण में पढ़ा होगा, सप्तमी विभक्ति का जो कारक है उसे अधिकरण कारक नाम से जाना जाता है, और अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। अब जैसे समानाधिकरण हुआ, तो समानाधिकरण को भी हमें जानना चाहिए कि समानाधिकरण का अर्थ हम किस प्रकार लेते हैं, और तदनुसार आप पाएंगे जैसे कहा जाता है कि सह अहम अस्मि, वह मैं हूं। अब यहां पाएंगे कि अस्मी रूप जो है उसका यही मूल आधार है, जो कि एक व्यक्तिनिष्ठ है, सह भी उसी का बोध करा रहा है और अस्मी त्वम भी उसी का बोध करा रहा है, या अहम भी उसी का बोध करा रहा है। सह अहम अस्मी, अर्थात सह अहम पंकजः अस्मी। जब मैं ये कहता हूं तो सह का संबंध भी पंकज से बन रहा है, अहम का संबंध भी पंकज से बन रहा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं यहां पर कि जो अहम, जो पंकज है, वो सह और अहम का अधिकरण है, और दोनों का एक ही अधिकरण होने के कारण ये समानाधिकरण है, और तेज जो होता है ये इसी प्रकार ये समान अधिकरण है।
इसी को प्रमाण मंजरी कार्य ने कहा अगुरुत्वे सति रूपवत् तेजः। मित्रों यहां पे अगुरुत्व शब्द है अर्थात गुरुत्व के नहीं होने पर, यानी जिसमें गुरुत्व नामक गुण होगा ही नहीं। और गुरुत्व नामक गुण क्यों नहीं होगा, जब हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे तो उसमें सविशेष बताएंगे कि तेज में गुरुत्व नामक गुण नहीं है। और क्यों नहीं है तो फिर कौन सा गुण है उसकी वहां चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमाण मंजरीकार जो है वो क्लियर स्पष्ट कहते हैं कि गुरुत्व जिसमें ना हो और जो रूपवान हो वह तेज नामक तृतीय द्रव्य है। इसी को तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने, जिनका कि सारे विश्वविद्यालयों में हम लोग अध्ययन करते हैं और वैशेषिक दर्शन में इसको को के ज्ञान के लिए इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो उनका यह सामान्य लक्षण है कि उष्ण स्पर्शवत तेज, जो उष्ण स्पर्श से युक्त हो अर्थात जिसमें उष्णता हो वही तेज है। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुनः कि गर्म जो लौह पदार्थ है या इसी प्रकार गर्म जल है तो उसमें भी उष्णता होती है, तो वहां पुनः पुनः यह कहा जाता है कि उष्णता तो केवल तेज यानी अग्नि में होती है और उससे भिन्न यदि किसी भी द्रव्य में वह अग्नि अगर है वह उष्णता है तो वह तेजसीय तत्व की उपस्थिति के कारण, तेजस की उपस्थिति के कारण, अग्नि की उपस्थिति के कारण उसमें उष्णता है। अगर अग्नि की उपस्थिति नहीं रहेगी तो उष्णता नहीं होगी, क्योंकि वही लौह पदार्थ है जब उसमें अग्नि की उपस्थिति होती है तो वह उष्ण प्रतीत होता है। लेकिन अग्नि का जब अभाव हो जाता है तो उसमें उष्णता का अभाव होता है और शीतलता आ जाती है, तब वहां पर हम उसे शीत स्पर्श कह देते हैं। अर्थात वही लौह पदार्थ उसमें शीतलता का बोध होता है और वो शीतलता का बोध इसलिए होता है कि उसमें जलीय तत्व की उपस्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से, और मित्रों जब भी कभी यह लक्षण किया जाता है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमने शुरू में ही आपको लक्षण कहा था कि असाधारण धर्म की चर्चा की थी वही लक्षण है, अर्थात जिसमें कि जो जिसकी अव्याप्ति ना हो, जिसकी अतिव्याप्ति ना हो और जो कह सकते हैं कि असंभव ना हो, इन तीनों दोषों से रहित तो हो। अर्थात अगर उष्ण स्पर्शवत तेजह कहा गया और गुरुत्वे सती कहा गया और असात्यंता भाव कहा गया तो यह जानना होगा कि तेज एक ऐसा द्रव्य है जिसमें रस की उपस्थिति कभी नहीं होगी। इसी प्रकार तेज एक ऐसा द्रव्य है जिसमें गुरुत्व नामक जो गुण है वह नहीं होगा और रस तेज एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ही केवल उष्ण स्पर्श का बोध होगा। दूसरे शब्दों में कि यहां पर यह किसी अन्य का लक्षण नहीं होगा, यदि किसी में भी गुरुत्व का अभाव है, किसी में भी उष्णता का अभाव है, किसी में भी रस का अभाव है तो वहां पर हम देखेंगे कि तेज की अतिव्याप्ति हो जाएगी, लेकिन अन्य में नहीं है इसीलिए यहां पर अगुरुत्वे सति कहा गया, रसात्यंता भाव कहा गया और उष्ण स्पर्शवान कहा गया है। तो मित्रों जब भी कभी किसी भी वैशेषिक अथच न्याय दर्शन इसलिए कह रहा हूं कि मैंने शुरू में ही जब भूमिका दी थी अपने पिछले लेक्चर में व्याख्यान में तो वहां पर हमने कहा था कि न्याय और जो वैशेषिक है दोनों समान तंत्र हो गए हैं और कालांतर में आकर के न्यायिकों ने वैशेषिक की पदार्थ मीमांसा तत्व मीमांसा ग्रहण कर ली और वैशेषिकों ने न्याय की प्रमाण मीमांसा ग्रहण कर ली और इस प्रकार दोनों मिलकर के एक हो गए। और तदनुसार हम पाते हैं कि लगभग 12वीं-14वीं शताब्दी के बाद लिखे जाने वाले प्रायशः सारे जो ग्रंथ है वो दोनों न्याय और वैशेषिक को एक रूप में लेकर के आगे लेके चलते हैं। और यही कारण है कि आप चाहे तर्क भाषा पढ़ें, आप न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ें या आप तर्क संग्रह पढ़ें, उसमें दोनों न्याय और वैशेषिक दोनों अनुस्यूत होंगे। तो जैसा हमने शुरू में कहा था कि पूर्ण रूपेण जब भी कभी हम लक्षण की व्याख्या करेंगे तो वो लक्षण में हमें यह दिखाना पड़ेगा कि उसकी अव्याप्ति नहीं हो रही है, अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, अथच उसमें असंभव नामक दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, तभी वह निर्दुष्ट लक्षण कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई लक्षण हम करते हैं जिनका कि किसी और में भी जिसमें अतिव्याप्ति हो रही हो या अन्यत्र नहीं पाया जा रहा हो तो इस तरह से जो है वह लक्षण नहीं होगा। अब चूंकि उष्ण जो स्पर्शता है वो ऐसा कहा जाता है कि तेज में समवाय संबंध से यह उपस्थित होता है, इसीलिए इसका एक विशिष्ट लक्षण और बनाया जाता है लोक व्यवहार में कि समवायेन उष्ण स्पर्शवत्वम, अर्थात जो उष्णता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी में जो गंध है वो समवाय संबंध से है
और समवाय संबंध हम आप सभी जानते हैं, गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, अर्थात द्रव्य और गुण के मध्य समवाय संबंध होता है। अगर अगर स्पर्श, यानी देखिए स्पर्श भी दो प्रकार के हुए, उष्ण स्पर्श और शीत स्पर्श, तो ये जो स्पर्श है वह तेज में समवाय संबंध से यहां पर होगा। उष्ण स्पर्श, स्पर्श का जो उष्णता है वह तेज में समवाय संबंध से होगा। उष्ण की उष्णता अन्यत्र हम नहीं कल्पना में ला सकते, अर्थात उष्ण को किसी अन्य द्रव्य में हम नहीं दिखा सकते, अन्य पदार्थ में नहीं दिखा सकते। उष्ण केवल और केवल जो है तेज में ही होगा। इसीलिए एक सामान्य लक्षण जो है छात्रोपयोगी लक्षण है, जिसे छात्र अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता हो, वह है समवायेन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। तेज का लक्षण उष्ण स्पर्श से युक्त होना। कैसे उष्ण स्पर्श से युक्त होना? तो समवाय संबंध से। अब रही बात इस तेज का एक और है, वह है भास्वर शुक्ल रूपवत्वम। मित्रों जो इसका लक्षण होता है, जो तेज है उसका रूप कैसा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये रूपवान है, इसका रूप जो है तेज का गुण है, तो रूप से युक्त। लेकिन कैसा रूप है? कह रहा भास्वर शुक्ल इसका होता है, यानी श्वेत, वह भी भास्वर शुक्ल इसका जो तेज का जो है यह रूप है। अर्थात भास्वर शुक्ल रूप से युक्त जो है वही तेजस्व है, वही तेज का लक्षण है। तो इस प्रकार से एक हमने यहां पर तेज के लक्षण को समझा। अब इनके और एक विशिष्ट और आगे देखते हैं। जैसा कि पृथ्वी और जल में हमने पढ़ा और उस समय भी इसकी आवृत्ति की थी कि आने वाले जो वायु तक के हम भेदों पर भेद पाएंगे, तो उसमें एक क्लियर आप पाएंगे कि उनके दो भेद दिखाए जाते हैं, तच्चद्विविधम नित्यम अनित्यम च। अब ये तेज चूंकि नपुंसक लिंग है इसीलिए यहां पर द्विधम है। जैसे आपने देखा कि पृथ्वी स्त्रीलिंग थी तो वहां लिखा हुआ था द्विविधा नित्या अनित्याचा, तो यह केवल वैयाकरणिक भेद, व्याकरण गत भेद है। अन्यथा अगर सामान्य हिंदी भाषा में हम बोलते हैं तो वहां पर हम कहेंगे कि यह जो अग्नि है अर्थात तेज है, यह दो प्रकार का है, एक है नित्य और दूसरा अनित्य। शुरू में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है नित्यम परमाणु रूपम, जो नित्य तेज का जो नित्य रूप है वह परमाणु रूप है और जो अनित्य रूप होगा वह कार्य रूप होगा। मित्रों एक बार पुनः हम देखते हैं ये नित्य और अनित्य को भी समझ लें। जब हमने तत्र गंधवती पृथ्वी में जब हमने साध द्विधा नित्या अनित्याचा किया था तो उसमें भी परमाणु रूपा की जब हमने चर्चा की थी कि परमाणु क्या है, क्रियावान है और नित्य होता है। परमाणु का सामान्य लक्षण क्या है? जो क्रिया से युक्त हो और नित्य हो, यही जो है यह परमाणु है। और आगे भी हमने इसमें लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया था जहां पर यह बताया था कि न्याय दर्शन में आचार्य गौतम ने परमाणु का लक्षण करते हुए कहा है कि परम वा त्रुटेह, अर्थात जो विभाजन का जिससे अनवस्था दोष ना हो जाए, जो विभाजन की अंतिम अवस्था है अर्थात जिसके बाद किसी भी प्रकार का विभाजन ना हो, त्रुटि ना हो, वही परमाणु है। तो इस प्रकार जो नित्य, जो परमाणु रूप है, जो तेज का नित्य, तेज की नित्य रूपता है वह परमाणु रूप है और जो अनित्य नामक तेज है वह कार्य रूप में होता है। और यह जो अनित्य रूप जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर कार्य रूप में देखें तो तेज पुनः तीन प्रकार का होता है, शरीरेंद्रिय विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय, यही चर्चा पृथ्वी में भी थी और यही चर्चा हमने जल में भी की थी। अब यहां पर तेज में भी इसी प्रकार चर्चा है। भेद वही है, केवल लक्षण भिन्न हो जाता है, केवल उदाहरण भिन्न भिन्न हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीनों के लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो पृथ्वी का शरीर हो, चाहे वो इंद्रिय का शरीर हो, चाहे पृथ्वी का इंद्रिय हो, चाहे वो पृथ्वी का विषय हो, चाहे वो जल का शरीर हो, चाहे जल का इंद्रिय हो या जल का विषय हो। जब इस शरीर, इंद्रिय और विषय को हम समझेंगे तो लक्षण वही होगा, उदाहरण बदल जाते हैं। और यहां आप देखेंगे कि जैसे हमने जल में देखा था तो शरीरम वरुण लोके था, यहां पर शरीरम क्या है? आदित्य लोके, अर्थात तेजस शरीर आदित्य लोक में प्राप्त होता है। यहां आदित्य से तात्पर्य है सूर्य। मित्रों इसकी व्याख्या आधुनिक दृष्टि से सर्वथा दुष्कर है, क्योंकि जिस सूर्य का तापक्रम, हम आप सभी जानते हैं कि अगर मॉडर्न साइंस को हम फॉलो करें तो उस सूर्य
लोक में किसी भी प्रकार की शरीर की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मैं केवल आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूं। लेकिन जो वैशेषिक आचार्य है, उन्होंने अपने अंतःकरण से, उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से इस विषय की स्थापना की है कि आदित्य लोक में शरीर है, और जो आदित्य लोक में जो शरीर होगा वह शरीर हम कह सकते हैं कि वह तेजस शरीर कहलाएगा। मित्रों, एक कल्पना में इसको हम सोचें कि अगर विज्ञान के किसी आविष्कार गवेषणा के कारण कल को यह कहीं रिसर्च में निकल कर आए और आधुनिक विज्ञान यह सत्यापित करे, सिद्ध करे कि नहीं, सूर्य लोक में भी हमें जीव है, शरीर देखा गया है, देखा जा सकता है, तो पुनः फिर हम संस्कृत वाले ये कहना प्रारंभ करेंगे कि हां देखो, वैशेषिकाचार्यों ने पहले ही सूर्य लोक में शरीर की परिकल्पना कर दी थी। मैं इसमें यही कहता हूं कि हमारी भी यह आवश्यकता है, हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि क्यों ना इस प्रकार का शोध करें और उस सूर्य लोक में भी शरीर की परिकल्पना को यथार्थ में परिणत करें। अस्तु, विषय भिन्न बातें थी, लेकिन एक हमने ध्यान जरूर आकृष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि क्या होता है कि जब विज्ञान अपनी बात कह देता है तब हम अन्वेषण करके करते हैं कि संस्कृत साहित्य में यह तथ्य पहले से ही विद्यमान था। हां, यह सत्य है कि संस्कृत साहित्य में यह सारे के सारे तत्व विद्यमान हैं, विद्यमान था, विद्यमान रहेगा। लेकिन दुखद यह है कि हमारा जो चिंतन, हमारा जो अध्ययन है, उस वैज्ञानिक विधा से नहीं होता रहा। कहीं ना कहीं इस चिंतन को भी हमने अध्यात्म से जोड़ दिया, इसलिए कारण है कि हम शायद विज्ञान में इतने पीछे रहे। अन्यथा वैशेषिक विशुद्ध वैज्ञानिक दर्शन है, संस्कृत की एक ऐसी विधा है जो केवल वैज्ञानिक बात करता है। अवश्य ये कहेंगे कि उस समय प्रयोगशाला नहीं हुआ करता था। उस समय का जो प्रयोगशाला था वह हमारे ऋषि मुनियों का यह मानसिक दृष्टि थी, अंतःकरण था, मन ही मानो उनका प्रयोगशाला था। इंद्रिय देखें, इंद्रियम रूपक ग्राहकम, जैसा शुरू में ही हमने कहा कि तेज का जो एक गुण है वो रूप है, और इंद्रिय जो है, जो कौन सी इसकी इंद्रिय होगी, जो रूप को ग्रहण करेगा वह तेजस इंद्रिय है। और रूप को ग्रहण करने वाला कौन सा इंद्रिय है, जिसे हम चक्षु कहते हैं, अर्थात हम अपनी आंखों से रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरे शब्दों में अमुक आकृति वाली, अमुक लंबाई चौड़ाई वाली जो वस्तु है वह अमुक तत्व है, इनका विवरण, इनका विश्लेषण हम आंखों से करते हैं। चाहे वो आपका कोई भी विशिष्ट किसी भी प्रकार के तत्व का दर्शन कर लें, चाहे हमारे किसी दिव्य पुरुष का दर्शन करें, या चाहे किसी हम तीर्थ स्थल का वर्णन करें, प्राकृतिक तत्वों का वर्णन करें, हम उनके जो सौंदर्य का जो बोध करते हैं वो चक्षु से करते हैं, क्योंकि चक्षु इमीडिएटली रूप ग्रहण करता है। लेकिन अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहां पर भी हमारे वैशेषिक आचार्य देखेंगे कितने कॉन्शियस हैं, कितने सटीक अपने तर्क को, अपनी बातों को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह यह कि पूरी की पूरी आंखें नहीं देखती। वो कहते हैं कि कृष्ण ताराग्रवर्ती, हमारी आंखों, जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर, चारों तरफ व्हाइट है, उस व्हाइट के मध्य में आप देखेंगे कि एक सर्कल ब्लैक होता है हमारी आंखों में, उस ब्लैक के भी अत्यंत केंद्र में आप एक कृष्ण काले रंग की पुतली देखते हैं, कृष्ण तारा देखेंगे, स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है कृष्ण तारा, जो काले रंग के उसमें जो तारा रूप में विद्यमान है। तारा, तारा काला रंग नहीं होगा, व्हाइट, अर्थात कृष्ण परिधि में जो तारे के समान दिखने वाला जो श्वेत रंग का वो केंद्र है, उस केंद्र के आगे का जो हिस्सा है वही चक्षुरूप इंद्रिय है। अन्यथा साहित्य में चक्षु का मतलब है पूरी आंखें, तभी आप नयनाक्षी, कमलाक्षी आदि ऐसे ऐसे शब्द पढ़ते हैं, मृगनयनी आदि ऐसे शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर चक्षु के समग्र सौंदर्य को लेके जाया चला जाता है। लेकिन जब इंद्रिय रूप में हम चक्षु की व्याख्या करेंगे तो वो ये जो दिखने वाला जो वाइट, एक जो बॉल की तरह दिखता है, छोटे से बिंदु की तरह दिखता है, उसका भी आगे का हिस्सा, वो पूरा का पूरा नहीं, अग्रवर्ती शब्द लिखा हुआ है, यही तेजस इंद्रिय है। और हम आप सभी जानते हैं कि आंख विद्यमान होने पर भी अगर वो कृष्ण पुत्तलिका नहीं रहती तो हमें सामने की वस्तु नहीं दिखाई देती, और वही ना होना वस्तुतः जो है अंधता का परम कारण है। मित्रों, तीसरा जो विषय है
ये विषय देखें, इनका जो विषय है वो चार प्रकार का है, भौम, दिव्य, औदर्य और आकर भेदात। अब देखिए, भौम जो है इसका उदाहरण दिया हुआ है वह्न्यादिकम अर्थात अग्नि आदि, मैं इनका विश्लेषण अभी प्रस्तुत करूंगा। अभिंधनम जो अप ईंधन है, दिव्य विद्युत आदि। भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्यम, ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो जठराग्नि है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और आकरजम सुवर्णादि। मित्रों, इसकी जब हम चर्चा लेते हैं तो इसको एक एक करके देखें। जो जो वहनी आदि है, भौम आदि अर्थात जिसे पेड़ पौधे आदि जलते हैं, जो हम आप एक क्षण के लिए यह भी कहें कि जो हम जो किचन में रसोई घर में जो जिस आग का उपयोग करते हैं वह भौमाग्नि है। इसी प्रकार इसी को मैं ऐसा मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसी को हम लोग दावाग्नि कहते हैं, दावानल है। सामान्य भी विधा है, तीन प्रकार की अग्नियों की चर्चा आती है, दावाग्नि, जठराग्नि और वाडवाग्नि। ये सभी आप लोग जानते होंगे, ये इसमें कोई बहुत विशेष मैं नई सूचना नहीं दे रहा हूं, मैं केवल उनको यहां से रिलेट कर रहा हूं कि जब भौमम वह्न्यादिकम आदि की चर्चा की जा रही है तो यहां पे वहनी से तात्पर्य है वो आग जिसकी सहायता से हम ज्वलन कार्य करते हैं, चाहे वो ईंधन को जलाना हो, पेड़ पौधे को जलाना हो, या जिससे हम आग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है अभिंधनम अप ईंधन, देखेंगे तुरंत आ गया ये वाडवाग्नि, जैसे विद्युत आदि कहा जाता है। विद्युत आदि भी जो है ये अभिंधन है, ये जलीय आग है, और हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि जल में भी आग होती है। तो कदाचित उस काल में आप पाएंगे कि ये उसकी ओर संकेत है, तो वो जलाग्नि अर्थात वाडवाग्नि की ओर ये संकेत है। पुनः हम जो भोजन करते हैं, और भोजन करने के अनंतर आप जानते हैं कि हम कठोर से कठोर तत्व तक को अपने भोजन में ले आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे भोजन हमारे भीतर जाने के बाद पूरी तरह से गल पच जाते हैं, उनका क्या कारण है? तो वो उसको कहते हैं जो भुक्तस्य परिणाम हेतु हो, जो भुक्त जो खाए हुए पदार्थ को जो परिणमित कर देता है उसका जो कारण है वह उदर्य अर्थात इसी को हम कहेंगे कि जिसको कहते हैं जठराग्नि अर्थात हमारे जो अंतःकरण में जो ग्रहण किए गए जो खाद्य पदार्थ है उनको जो जलाए गलाए वह जठराग्नि होती है, और उसी की ओर इसका इशारा किया गया है भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्यम। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त एक और विशिष्ट प्रकार की अग्नि की चर्चा है, वह है आकरजम सुवर्णादि। आकर हम आप कहते हैं खजाना आदि को, अर्थात जो खान है जहां पर खनिज पदार्थ होते हैं, जो माइंस हैं, उनमें जो है भी एक विशेष प्रकार की आग होती है, और वो आकरज अग्नि है जिसको कि वैशेषिक दर्शन में जिसका उदाहरण सुवर्ण आदि से देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से देखें तो सुवर्ण में भी अग्नि है, यद्यपि आधुनिक विज्ञान या आधुनिक दृष्टि इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन वैशेषिकों की यह स्पष्ट अवधारणा है कि सुवर्ण आदि में भी अग्नि होती है। अस्तु, तो मित्रों ये जो एक सामान्य है, हमने तेज के भेदों पर भेद की चर्चा की, इसके बाद इसका जो गुण है हम उसके गुण को देखते हैं, और गुणों की चर्चा आपके सामने है। पहले भी मैंने इसकी सूची आपके सामने प्रस्तुत कर दी है जब गुण विश्लेषण किया था, और किस द्रव्य के कितने गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों का उल्लेख करते हुए मैंने कहा था वहां पर भी कि जो तेज है अर्थात अग्नि रूप जो द्रव्य है उसमें स्पर्श रूप। अब देखेंगे कि इसको हमने स्पेशली जो रेड कलर में कर रखा है वो आपका ध्यान आकृष्ट करने मात्र के लिए, क्योंकि लक्षण में हमने पाया कि स्पर्श बार बार उष्ण स्पर्शवत तेज आदि पाया, रूप हमने पाया जो रूपवान है, और रूप इसका है गुण है, विशिष्ट गुण है, तो ये दोनों इनके विशेष गुण हैं, इसीलिए इनको यहां पर हमने लाल रंग में रखा है। रेस्ट आप देख लेंगे कि संख्या है, परिमाण है, पृथक्त्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, द्रवत्व। द्रवत्व के भी हमने भेदों पर भेद आपके सामने रखा था, तो उसमें जो नैमित्तिक प्रकार का जो द्रवत्व है वह इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार संस्कार में भी वेग, भावना आदि करके हमने अर्थ किया था, तो वेग रूप जो संस्कार है वह तेज में पाया जाता है। मित्रों, अभी हमने आपके सामने चर्चा में रखा था कि जब प्रमाण मंजरीकार ने अगुरुत्वे सती उष्ण स्पर्शवत तेज का जब लक्षण किया था तो उसमें हमने कहा था कि इसमें गुरुत्व नहीं होता है। जरा इस पर भी विमर्श कर लें कि सद्य इसमें गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? हेवीनेस, ग्रेविटी, ग्रेव, जो भारीपना हो। आपने सो देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा, नहीं तो आज जरूर प्रयोग करके देखें कि किसी भी मोमबत्ती को जलाएं और अगर आप उसको मोमबत्ती को जला करके नीचे की ओर करें तो भी लौ उसका ऊपर की ओर ही जाएगा।
अर्थात जो अग्नि की जो लौ है, जो दीप शिखा होती है, अर्थात अग्नि शिखा होती है, वो नीचे की ओर नहीं गमन करता, वो सदैव ऊपर की ओर गमन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्व नहीं होता, उसमें लघुत्व होता है, हल्कापना होता है, इसी के कारण वो सदैव ऊर्ध्वगामी होता है। और आपने देखा होगा, आपने जब सांख्य दर्शन पढ़ा होगा, तो सांख्य दर्शन में जब गुणों की चर्चा की जाती है, सत्व रजस और तमस नामक गुण की चर्चा की जाती है, तो जो सत्व नामक गुण है उसका जब लक्षण दिया जाता है, तो वहां पर आपने पाया होगा कि सत्वम लघु प्रकाशकम ये शब्द है, और साथ ही उसमें ऊर्ध्वगामी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि सत्व गुण जो होता है वो सदैव ऊर्ध्वगामी होता है, अर्थात व्यक्तित्व को, मनुष्य को ऊपर की ओर, उत्थान की ओर वो हमेशा ले जाता है। तो यहां पर भी आप पाएंगे, तो लेकिन कोई लोग कह सकता है कि वो ऐसे नहीं, वो हवा के झोंके के कारण जो दिए की शिखा है या जो अग्नि शिखा है वो ऊपर की ओर चलती है। नहीं, ये गलत है ऐसा चिंतन। क्यों? क्योंकि जब पेड़ से कोई फल गिरता है तो हवा तो उस समय भी विद्यमान है, तो हवा की विद्यमानता के कारण वो जो फल है वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता कि उन फलों में गुरुत्व नामक गुण होता है, और अपने गुरुत्व गुण के कारण वो पृथ्वी की ओर आता है। लेकिन जो दीप शिखा है, अग्नि शिखा है, उसमें गुरुत्व नहीं होता, लघुता होती है, हल्कापना होता है, इसीलिए सदैव वह ऊर्ध्वगामी होता है। और मैं पुनः कहता हूं कि इसे जरूर प्रयोग करके देखें कि अग्नि कभी भी किसी भी प्रकार, इवन अगर आप मैच बॉक्स की तीलियां जलाते हैं, तो तीलियों में भी जो दीपक, जो शिखा होती है आग की, वो ना तो स्ट्रेट जाती है ना ही नीचे जाती है, वह भी ऊपर की ओर ही रहती है। और तब जब हम विक यानी हम बाती जब जलाते हैं, तो बाती के नीचे उसके ऊर्ध्वगामी जो शिखा है उससे उसको हम प्रज्वलित करते हैं। तो मित्रों, ये इस प्रकार जो है, ये तेज नामक जो विशिष्ट द्रव्य है, इस विशिष्ट द्रव्य को हमने देखा। और इस विशिष्ट द्रव्य में खास करके परीक्षाओं में जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको पंक्ति पूछ ली जाती है कि दे दिया उष्ण स्पर्शवत तेजः, इसकी व्याख्या करने के लिए, तो जो हमने आपके सामने एक सूचना रखी, एक सामान्य जो विश्लेषणात्मक रूप से आपके सामने तेज के स्वरूप को आपके सामने प्रकट किया, हम उसे अपनी परीक्षा में आवश्यक रूप से लिखें। मित्रों, मैं समझता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगा। आपने अगर इसे समझा है अच्छी तरह से, तो भी आप प्रशंसा वाले भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात अस्पष्ट रह जाती है तो उसे आप अवश्य पूछें, ताकि हम उस प्रश्न, उस जिज्ञासा का यहां समाधान प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों ने ध्यान से तेज नामक इस तृतीय द्रव्य की व्याख्या सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।